तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे के लड्डू। इस लड्डू को हम यूपी और बिहार में खासकर लाई के नाम से जानते हैं और ज्यादातर ये लाई वाला लड्डू संक्रांत के त्योहार में बनाया जाता है। इस लड्डू को बनाने में मैक्सिमम 25 से 30 मिनट तक लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। और ये लाई लड्डू जो है वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए जल्दी से इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। मुरमुरा के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिया है मुरमुरा। मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो आप 3 कटोरी मुरमुरा और 1 कटोरी गुड़ ले सकते हैं। अब इसके बाद हम गैस पर रखेंगे मोटे तले का बर्तन और मुरमुरा को इसमें डालेंगे। पहले तो मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए गर्म करेंगे, उसके बाद लो फ्लेम पर इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। और जब मुरमुरा बिल्कुल इस तरह से दबाने से पाउडर सा बनने लगे तब मुरमुरे को दूसरे बर्तन में निकाल देंगे ताकि तले में जले ना। अब इसके बाद मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। इसे कढ़ाई में डालेंगे और इस तरह से चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। और बस 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि गुड़ बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है। तो अब लड्डू में थोड़ा चमक लाने के लिए 1 चम्मच के करीब ही घी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए गुड़ की चाशनी बनाएंगे। करीब 7 से 8 मिनट बाद ही जब कुछ इस तरह से गुड़ बंधने सा लगे तभी रोस्ट करे हुए मुरमुरे डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद करके अच्छे से मिलाते रहेंगे। मैंने मुरमुरे के लड्डू बनाने में 200 ग्राम मुरमुरा और 250 ग्राम गुड़ यूज किया है। तब करेंगे हम इसे अलग बर्तन में ट्रांसफर। पानी को इस तरह से हाथ में लगाएंगे। पानी हाथ में लगाने से हाथ ठंडे हो जाते हैं और लड्डू बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। और फिर लड्डू को इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। आप जिस साइज का चाहें अपनी पसंद से छोटे बड़े लड्डू बना सकते हैं। तो मैंने लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह बाकी के लड्डू को तैयार करेंगे। और ये लीजिए सारे मुरमुरे के लड्डू बनकर तैयार हैं। तो इस संक्रांति में आप भी मेरे इस तरीके से अपने घर में मुरमुरा या फिर लाई के लड्डू बनाकर जरूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी जरा भी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल फूड विद रीता को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका फुल सपोर्ट मिलता रहे।